आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चमोली जिले के आपदा प्रभावित डुंगरी गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन में लापता दो लोगों के परिजनों से भेंट करते हुए परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करेगी और आश्वासन दिया कि प्रभावित परिवारों के आश्रितों को सरकारी नौकरी में कहीं न कहीं समायोजित किया जाएगा। उन्होंने डुंगरी गाँव में आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लिया और अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। भरोसा दिया कि किसी भी संसाधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने नलगांव में नेपाली मूल के आपदा से मृतक के परिजनों को 4 लाख का चेक भी दिया। सीएम ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सभी संयम बनाए रखें। सर्वेक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ पर्यटन एवं जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, क्षेत्रीय विधायक मुन्नी देवी साहब भी मौजूद रहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में आवासीय मकानों को मुआवजा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है और जानवरों में बकरी के लिए 3,000 रुपए और दुधारू पशुओं के लिए 30,000 रुपए की प्रतिपूरक सहायता धनराशि दी जाएगी। विदित हो कि डुंगरी गाँव निवासी भरत सिंह नेगी पुत्र स्वर्गीय गुमान सिंह नेगी उम्र 48 वर्ष और वीरेंद्र सिंह पुत्र किशन सिंह उम्र 33 वर्ष विगत 19 अक्टूबर की सायंकाल से लापता है। ग्रामीणों ने बताया कि 19 अक्टूबर को बारिश बंद होने के बाद सायंकाल दोनों लोग अपने गांव के निकट एक जल लाइन को ठीक करने के लिए गए थे। इसी दौरान दोनों लोग वहां पर भारी भूस्खलन के चपेट में आ गए और तब से लापता चल रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने पुलिस NDRF और SDRF मौके पर सर्च अभियान में लगा रखा है, लेकिन अभी तक दोनों लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिला है। न्यूज 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। और जिस दिन से भी आपदा आई है, हमने प्रयास किया है कि जगह जगह पर जहां पर भी आपदा आ रही है, हमें हमारे मंत्रीगण सभी स्वयं उन जगह पर जा रहे हैं और उन जगह पर जाकर स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं और जिनके परिवार से जो भी जहां भी एक ही मृत्यु हुई है उनके एक मृत्यु पर 4 लाख रुपये हमने देने की घोषणा करी है। सबको तुरंत जो पशु हानि हुई है, पशु हानि में भी हमने बकरी के लिए 3,000 रुपया और दुधारू गाय के लिए हमने जो है 30,000 रुपये की व्यवस्था की है। हमारे सब जो जिला प्रशासन के लोग सारी व्यवस्थाएं करेंगे। आप सब लोग क्योंकि जो रोड बन रहे हैं उन रोडों को। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।